झारखंड के कोल्हान की धरती बारूदी सुरंग के जाल से पटी हुई है। यहाँ के जंगल कई जवान और ग्रामीण के खून से हर दिन लाल होती है। ताज़ा मामला कोल्हान के टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बा हाका और सरजुम बुरु गांव के पास का है, जहाँ आईडी की चपेट में दो जवान आ गए, जिसमें एक सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का जवान शहीद हो गया। शहीद जीडी राजेश कुमार है, जो कोबरा 209 बटालियन के हैं। वहीं कोबरा 209 बटालियन के ही भूपेंद्र कुमार हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, उनको माइनर इंजरी आई है। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज मेडिकल अस्पताल में जारी है। बता दें कि सुबह सुरक्षा बल के जवान नक्सली दस्ते की सूचना होने पर अभियान पर निकले थे। इसी दौरान तुम्बा हाका और सरजुम बुरु गांव के पास आईडी ब्लास्ट हुआ और इसकी चपेट में दो जवान आ गए, इसमें एक की शहादत भी हो गई। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। कोल्हान के जंगल से एयरलिफ्ट कर दोनों जवानों को रांची के एयरपोर्ट लाया गया, जहाँ से फिर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मेडिका में भर्ती कराया गया है। मालूम हो कि कोल्हान को माओवादी अपना सुरक्षित ठिकाना समझ रहे थे, कई सालों से इस घने जंगल में रह रहे थे, लेकिन अब पुलिसिया दबिश बढ़ी तो नक्सलियों के पैर उखड़ने लगे हैं। पुलिस जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे ही नक्सली बेचैनी में आईडी का जाल बिछाकर सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर सिर्फ वर्ष 2023 की बात करें तो करीब एक दर्जन जवान घायल हुए हैं, वहीं चार की शहादत तो हो चुकी है। बता दें कि नवंबर 2022 से कोल्हान में नक्सलियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बल चायबासा के जंगलों में अभियान चला रहे हैं। इसी जंगल में माओवादी के बड़े नेता 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा अनिल दा प्रमोद मिश्रा अपने दस्ते के साथ मौजूद है और लगातार सुरक्षा बलों को चुनौती दे रहे हैं। देखिए, ये आज सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच ही घटना है। चायबासा के कोल्हान ने जो सीपे अभाव माओवादियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसमें कोबरा 209 की टीम्स और जो अन्य सीआरपीएफ की कंपनी, झारखंड जगवाल की कंपनी और जिला बल संयुक्त रूप से अभियान कर रहा था। अभियान के क्रम में ही जो संयुक्त बलों के द्वारा जो है आईडीज और कुछ स्पाइक होल्स इत्यादि बरामद किए गए थे, और उसके पश्चात जैसे ही अभियान में टीम्स आगे बढ़ी तो 209 कोबरा की जो टीम है उसको लक्षित करके नक्सलियों के द्वारा आईडी ब्लास्ट किए गए हैं। इसमें दो हमारे जो कर्मी हैं 209 के, उसमें एक इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी है श्री भूपेंद्र और कांस्टेबल राजेश, ये उस आईडी की चपेट में आ गए। उसमें जैसे ही ये घटना हुई और उसके पश्चात तत्काल जो है उन्हें वहाँ से इवैक्यूएशन करने के लिए कार्रवाई की गई और हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको वहाँ से इवैक्यूएट कराया गया और रांची यहाँ पे लाया गया और मेडिका अस्पताल में उनको यहाँ इलाज हेतु लाया गया था। अनफॉर्चुनेटली राजेश जो है इस घटना में शहीद हो गए हैं। जो दूसरे हमारे पदाधिकारी है वो स्टेबल है और उन्हें कुछ माइनर इंजुरीज आई हैं, स्प्लिंटर इंजुरीज आई हैं, उनका इलाज अभी चल रहा है और डॉक्टरों की निगरानी में जो है जो आगे की प्रक्रिया है वो सारी की जा रही है। कुल दो ही जो हमारे कर्मी थे वो इस ब्लास्ट की चपेट में आए थे और क्षेत्र में अभी भी बलों का जो ये संयुक्त बलों का अभियान है वो जारी है और जो भी हमारे 209 कोबरा के जवान हैं, इसके अलावा झारखंड जगवार, सीआरपीएफ, चयवासा जिला बल के जवान जो है उस क्षेत्र में अभी भी डटे हुए हैं और लगातार अभियान जारी है। कुछ बरामद भी हुआ है सर? बताया ना, आई डी बरामद उसके अलावा स्पाइक होल्स इत्यादि ये सब। सर, जो जवान शहीद जो हुए हैं वो कहाँ से? छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और बाकी जो आगे की प्रक्रिया है उनको जो की शहादत को नमन करने के लिए तो उससे संबंधित जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है और वो कंप्लीट करने के बाद फिर आगे की कार्रवाई उसमें। मेडिकल पेशेंट भूपेंद्र कुमार हमारे इमरजेंसी में, तो उनको मल्टीपल इंजुरी था, हाथ में लगे हुए स्प्लिंटर्स थे और जगह जगह बॉडी में जो ब्लास्ट के बाद असर रहता है वो था।
डॉक्टर रोहित ने इमरजेंसी में रिसीव किया। प्राइमरी बेसिक ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट को स्टेबलाइज करके चूँकि इंजुरी होता है तो चेस्ट में इंटरनल इम्पैक्ट क्या है, अब्डोमिनल पेट के अंदर में क्या चोटें हैं, ब्रेन में क्या उसका इम्पैक्ट है, वो हम लोग ऑब्जर्वेशन में करके प्राइमरी जो टेस्ट होते हैं चेस्ट का एक्सरे वगैरह कह रहा है, और अभी अल्ट्रासाउंड भी किया जिसमें हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स ठीक ही आए हैं अभी, और जो लेबोरेटरी टेस्ट है वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, और फिलहाल जो आईसीयू में इसलिए रखा हूँ ताकि पल्स मॉनिटर कर सकूँ, बीपी को स्टेबलाइज करते हुए अगर कोई ज़रूरत लगता है हम लोग को इंटरवेंशन करने के लिए तो हम लोग उसे समय के साथ एक्शन लेंगे, और जो उनका जो बाहरी जो चोट है उसको भी हम लोगों ने ड्रेसिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट करके रखा है। ठीक सर, क्या पूरी तरह से होश में बातचीत करें? हाँ, देखिए ब्लास्ट इंजुरी के बाद जो थोड़ा तो कोई भी रहते हैं तो स्ट्रेस तो होता ही है, बट इमरजेंसी से जब से आए तब से हम लोगों ने पूरा केयर किया और अभी रिस्पॉन्स है ठीक है, GCS हम लोग बोलते हैं वो स्टेप ठीक है, नॉर्मल है, बट इंटरनल जो इम्पैक्ट्स है उसको तो चोट कहाँ पे लगी? चोट लेफ्ट हैंड में लगा है, और चूँकि ब्लास्ट का जो इफेक्ट होता है इंटरनल भी हो सकता है चेस्ट में, और क्योंकि जो फेलो जो है उनको भी काफ़ी चोटें